Hello Achoo. let's read a given question the question says a metal surface ejects electron when hit by green light but none when hit by yellow light the electrons will be ejected when the surface is hit by option A blue light, option B heat rays, option C infrared light, option D red light so for this question the key concept we will be using is the concept of Einstein's photoelectric equation फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एंसडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो एनर्जी हम इंसिडेंट uh, करते हैं ऑन अ फोटोमेटेलिक और द फोटोसेंसिटिव सरफेस सो दैट एनर्जी इज यूटिलाइज दैट इज एच न्यू दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज यूटिलाइज फॉर वर्क फंक्शन एंड फॉर प्रोवाइडिंग द मैक्सिम कैनेडिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन ठीक है एच न्यू ईयर इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन्स अब यहाँ पे एक चीज सिंपली क्लियर है जितनी ज्यादा हम एनर्जी सप्लाई करेंगे और जितना हाई एनर्जेटिक फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के एमिशन की सो वी कैन से एमिशन पॉसिबिलिटी इंक्रीजेस ठीक है अब यहाँ पे क्लियरली uh, हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ग्रीन लाइट के बारे में बोला गया ग्रीन लाइट जब हम हिट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बट येलो लाइट पे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड ये इसका सबसे पहले रीजन हम ये समझते हैं कि जो एच इलेक्ट एनर्जी ज्यादा का क्या मतलब है एनर्जी ज्यादा का मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो और इसी का मतलब ये है कि वेवलेंथ कम हो राइट क्योंकि हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं एनर्जी कैन बी एनर्जी ऑफ फोटोन इट कैन बी न्यू और इट कैन बी रिटर्न एच सी बाई लेमडा तो लैमडा जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी और वाइस वर्सा ठीक है तो फ्रॉम दिस वी कैन से अगर हम बात करें लैमडा ऑफ ग्रीन कलर तो हमें पता है स्पेक्ट्रम में विपगी और विजिबल रीजन का वॉयलेट से रेड की तरफ लैमडा की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ग्रीन की जो वेवलेंथ होगी इट इज़ लेस देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो कलर इज़ लेस देन ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कलर ठीक है ग्रीन कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी उसकी ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहे हैं ठीक है बट येल्लो पे नहीं हो रहे तो येल्लो पे नहीं हो रहे दैट मीन्स कि येल्लो की जो एनर्जी है वो कम है इसीलिए फोटो एमिशन नहीं हो रहा या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो रहा अब येल्लो की कम है तो कंपेयर टू येल्लो कंपेयर टू येल्लो वी कैन से रेड uh, की तो और भी कम है येल्लो से रेड की जो फ्रिक्वेंसी है वो येल्लो से भी कम है तो इसमें तो रेड कलर इंसिडेंट करने पे तो और भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होंगे ठीक है तो रेड कलर को तो हम यहाँ से डिस्कार्ड ही कर सकते हैं क्योंकि रेड कलर की फ्रिक्वेंसी कम है कम्पेयर टू या फिर एनर्जी कम है सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एनर्जी कम है तो रेड कलर से भी एमिशन नहीं होगा अब रेड कलर से एमिशन नहीं होगा तो इन्फ्रारेड से भी नहीं होगा क्योंकि इंफ्रा की तो रेड से भी कम है इंफ्रा रीजन की जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रीजन इज लेस देन इवन लेस देन रेड कलर ठीक है तो फ्रॉम यर वीकेंड से कि इंफ्रा रेड से भी नहीं होगा अब हीट रेज भी इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रम के अंदर ही आती है सो दिस कैन ऑल्सो भी डिस्कार्डेड बट अगर हम बात करें ब्लू कलर की राइट ब्लू कलर की हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर इज मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर ठीक है ना तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर ब्लू कलर की अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें लेमडा इसका रेड से कम है तो उसकी बात फ्रिक्वेंसी तो ज़्यादा ही होगी ठीक है तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो दैट मीन्स के ब्लू कलर का इंसिडेंट करने पे एंड इवन हम देख सकते हैं कि ब्लू कलर का वेवलेंथ ग्रीन से भी कम है तो ब्लू कलर पे तो एमिशन uh, आसानी से होगा तो ब्लू ए विल बी द आंसर अब इसमें एक चीज़ और हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक uh, स्पेक्ट्रम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं माइक्रोवेव जस्ट हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं माइक्रोवेव देन वी राइट सबसे पहले सॉरी रेडियो वेव्स आता है देन कम्स माइक्रोवेव देन कम इन्फ्रा रेड रेस देन कम विजिबल रीजन उसके बाद यूवी रेज आता है एक्स रेज वगैरह वगैरह ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विजिबल और यहाँ से इस तरफ हम जब जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एंड वेवलेंथ जो है कम होता है ठीक है अब ये जो विजिबल रीजन लिखते हैं नाम विजिबल रीजन लिखने को हम विबर जस्ट इस वजह से लिखते हैं कि ये हमें याद रहे ठीक है नहीं तो इसका एक्चुअल में लिखा जाता है आर ओ वाई जी बी इस तरीके से ठीक है ना अब हम देख सकते हैं कि हम इस तरफ ही जा रहे हैं तो वायलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका वेवलेंथ कम है ठीक सो दिस इज हाउ ये जो है विजिबल रीजन के लिए हमने लिखा है ठीक Actually, लिखा है एक्चुअली लिखा इस तरीके से जाता है बट टू रिमेंबर हमने इसको विबग्योअर की तरीके से याद रख लिया है क्लियर है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड का जो भी वेवलेंथ है उससे ज्यादा वेवलेंथ इंफ्रा रेड का है, या फिर फ्रीकवेंसी उससे भी कम है ठीक तो ए विल बी द आंसर फॉर दिस सो आई होप यू अंडरस्टूड द दिसन ऑल द बेस्ट